नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया की दो महाशक्ति अमेरिका और रूस के सैनिकों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। सीरिया में अमेरिका और रूस के सैनिकों के बीच हिंसा की खबरें हैं। जानकारी के मुताबिक रूसी सैनिकों ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने आर्म्ड व्हीकल से अमेरिकी सैनिकों को टक्कर मार दी है। उत्तर पूर्वी सीरिया में हुई इस घटना में अमेरिका के कुछ सैनिक घायल हुए हैं। इस घटना को लेकर एक वीडियो भी वायरल है। इस घटना के वीडियो में नजर आ रहा है कि रूस ने अपने हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया। ये घटना मंगलवार यानी कि 25 अगस्त की है। इस घटना में रूस के सैनिकों के अलावा उनकी बख्तरबंद वाहन भी शामिल थे। अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको के मुताबिक कितने अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं इस बात की कोई खबर नहीं है, लेकिन सूत्रों की ओर से बताया गया है कि कई अमेरिकी सैनिकों को चोटें आई हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन ओलियोट ने कुछ हिस्सों में हिंसा की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि अमेरिकी सैनिक इसमें घायल हुए हैं या उन्हें किसी तरह की चोटें आई हैं। ओलियोट ने बताया कि मंगलवार को सीरिया के समयानुसार सुबह 10 बजे दायरे के करीब अमेरिकी सैनिक नियमित गश्त पर थे। इसी समय उनका वाहन रूस के मिलिट्री व्हीकल से टकरा गया। इसमें कुछ जवानों को चोट आई है। घटना के बाद गश्ती दल उस इलाके से चला गया था। हालांकि ओलियोट ने इस पर रूस की सेना की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि असुरक्षित और अव्यवहारिक कदम पहले भी इस तरह की घटना की वजह बने हैं। उन्होंने दिसंबर 2019 में भी इसी तरह की घटना के बारे में बताया। ओलियोट के मुताबिक अमेरिकी सैनिक किसी भी देश की सेना के साथ उलझना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास अपनी सुरक्षा का पूरा कानूनी अधिकार है। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।